भारत में सूर्य ग्रहण को लेकर कई धारणाएं प्रचलित हैं। सूर्य ग्रहण की घटना को ज्योतिष से जोड़कर कई लोग इसका गलत लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और कई धार्मिक कर्म कांड करते हैं, लेकिन विज्ञान के मुताबिक यह पूरी तरह खगोलीय घटना है। अन्य देशों के लिए सूर्य ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व न होकर वैज्ञानिक महत्व होता है। वैज्ञानिकों के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम महत्व नहीं रखता है। इस दिन वैज्ञानिकों को शोध करने के नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। कई बार लंबे समय तक इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को समझने में सूर्य ग्रहण के दिन का खास प्रयोग किया जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर रिसर्च करने का अनुभव प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य से निकलने वाली विकिरणों का अध्ययन करके वैज्ञानिक दुनिया के सामने नई जानकारियां लाने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है और कैसे होता है। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको मिल सके। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तब देवी देवताओं का दर्शन करना अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी तरह की पूजा का विधान नहीं किया जाता। इसके अलावा इस दिन गर्भवती स्त्रियों, वृद्धों को दवा आदि देना भी वर्जित माना जाता है। सौर मंडल सूर्य का परिवार है, जिसमें सूर्य इस परिवार का मुखिया है और बाकी सब इसके सदस्य हैं। सौर मंडल में कई ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का और धूमकेतु शामिल है। इसमें कुल ग्रहों की संख्या 8 होती है, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भी परिक्रमा करता है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सब ग्रहों को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा और पृथ्वी परिक्रमण करते हुए सूर्य की सीधी रेखा में आते हैं तथा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, तो चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को अड़क लेता है और सूर्य का अड़का हुआ हिस्सा पृथ्वी से देखने पर कटा हुआ सा प्रतीत होता है। सूर्य की इस अवस्था को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण तीन प्रकार का होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण तथा वलयाकार सूर्य ग्रहण। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।